सो आप रिकॉर्ड कर लें इस लेक्चर को। महबूब तक मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली एक्नॉलेज करें। ओके महबूब, थैंक यू, इट्स रिकॉर्डिंग। सो लास्ट सेशन में हमने सही ग्राफ से स्टार्ट ऑफ हो गई। थैंक यू सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे कुछ ग्राफ का इंट्रोडक्शन, के किस किस किस्म के ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ होता क्या है, उसको सेव कैसे किया जाता है, एडजेसेंसी लिस्टेंसी मैट्रिक्स क्या होते हैं। सेकेंडली फिर हमने ये देखा था कि एडजेसेंसी लिस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स कितनी स्पेस लेते हैं, और डिफरेंट टाइप के ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है, वगैरह वगैरह चीज हमने देखी थी। और उसके साथ हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली हम ये ग्राफ का इंट्रोडक्शन इसलिए देख रहे हैं बिकॉज हम आगे जो है वो ग्राफ से रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ने जा रहे हैं, और ग्राफ से रिलेटेड हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व करने, जो आपकी स्लाइड पे सामने जो है वो जो प्रॉब्लम थी जो हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे, विच इज ग्राफ ट्रेवर्सल प्रॉब्लम, यानी ग्राफ सर्चिंग प्रॉब्लम, कि हम ग्राफ की हर हर नोड को और हर हर एज को एक दफा जो है उस तक पहुंच जाएं, सो दैट वी कैन गिव आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक कि क्या फलां नोड से फलां नोड तक, ए नोड से बी नोड तक कोई एज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। राइट, सो ग्राफ सर्चिंग के जरिए से हम क्या करेंगे, किसी एक स्टार्टिंग नोड से चलेंगे और ग्राफ की हर हर नोड और हर हर एज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली जो है वी विल बिल्ड अ ट्री ऑन अ ग्राफ, और हम किसी एक सोर्स नोड से चलेंगे और हर हर एज को और ट्री को जो है वो हर हर एज और नोड तक पहुंचेंगे। आमिर होपफुली अब वॉइस ब्रेक नहीं हो रही होगी। So this is what we want to do from graph searching algorithm. First, हम जो है वो BFS breadth first search जो है वो graph देखेंगे, then we will see depth first search. Breadth first search में हम क्या करते हैं, we explore a graph, turning it into a tree, और एक वक्त में एक vertex को जाहिर है हम explore करते हैं। Builds a tree over the graph, pick a source vertex to be root, or find discover its children, then their children, then their children. यानी हमने कुछ breadth, जैसे इसका नाम है और आपने data structure में भी कुछ पढ़ा होगा कि हमारे पास एक node होती है, हम उसकी जो है वो पहले उसकी तमाम जो है वो adjacent nodes, graph की ज़बान में adjacent node, जब हम tree बनाने की कोशिश करेंगे तो वो tree की शक्ल बन जाएगी, because we have a source node और वो connected graph होगा। उसकी हम तमाम एडजेसेंट नोड्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद फिर मजीद हर हर नोड की एडजेसेंट नोड्स की तरफ जाएंगे। सो पहले जो है मैं एक डेप्थ में जो है वो ग्राफ पे चलूंगा, फिर दूसरे लेवल के ऊपर या डेप्थ के ऊपर जो ग्राफ पे चलूंगा। सो आई कुड से कि जो है पहले हमने क्या किया, इस लेवल के ऊपर जितनी नोड्स थी उसको सर्च किया, फिर इस लेवल के ऊपर जितनी नोड्स थी, फिर इस लेवल के ऊपर जितनी नोड्स उनको सर्च करेंगे, देन जो है अगर कोई ग्राफ में नीचे नोड्स होती हैं तो हम उनकी तरफ जाएंगे। राइट, तो अगर कोई यहाँ नोड होती तो फिर आप उसकी तरफ जाते हैं। जी लेवल बाय लेवल चलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलराइट, सो इट्स BFS, आपने डेटा स्ट्रक्चर पहले पढ़ा है, हम जरा उसके दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी देखेंगे, BFS को ऑल्सो रिकॉल करेंगे कि क्या होता है, क्या उसका सुडो कोड है, कैसे चलता है, देन वी विल डू सम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ BFS, एंड देन वी विल सी कि हम BFS में अगर कुछ थोड़े से हम साथ साथ ही वो अमेंडमेंट्स कर लेंगे तो हम देंगे BFS के जरिए से हम इवन जो है वो ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो वी विल एसोसिएट वर्टेक्स कलर्स टू गाइड द एल्गोरिथम। इनिशियली जो है वो तमाम वर्टेसेस जो है वो व्हाइट कलर के होंगे, जिसका मतलब यह है कि ये वर्टेसेस अभी डिस्कवर करने हैं, अभी हम इनको एक्सप्लोर नहीं किए, अभी इन तक नहीं पहुंचे हैं। फिर जैसे ही हम किसी वर्टेक्स तक पहुंचेंगे उसका कलर हम ग्रे कर देंगे, विच इज इंप्लाइंग कि दिस वर्टेक्स हैज बीन एक्सप्लोर्ड। और फिर जब उस वर्टेक्स के हम तमाम एडजेसेंट नोड्स तक भी पहुंच जाएंगे, यानी उस वर्टेक्स के अगर ट्री की जुबान में पहुंचे तमाम चिल्ड्रंस को
जब हम एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर उस वर्टेक्स का कलर ब्लैक कर देंगे। सो इनिशियली तमाम वर्टेक्सेस के कलर जो है वो व्हाइट होंगे, फिर जब हम उसको एक्सप्लोर कर लेंगे उसको ग्रे कर देंगे, और जब उस वर्टेक्स के तमाम एडजेसेंट वर्टेसेस एडजेसेंट नोड्स यानी चाइल्ड नोड्स को भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे तो फिर उसके कलर को जो है हम फिर ब्लैक कर दिया करेंगे। राइट, सो दिस इज हाउ के जो है हम काम करेंगे। हम किसी वर्टेक्स का पहले इनिशियली एक वर्टेक्स लेंगे, उसका कलर ग्रे करेंगे, और फिर हम उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को तलाश करेंगे। उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में यकीनन वो एलिमेंट्स हुआ करेंगे जो इसके एडजेसेंट यानी वी में से उसके चाइल्ड नोड्स होंगे, एडजेसेंट नोड्स के हम एडजेसेंट नोड्स को सर्च करेंगे। सो किसी वर्टेक्स की जाके हम उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को तलाश करेंगे, और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट के जरिए से हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि कितने इसके एडजेसेंट नोड्स मौजूद हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द सूडो कोड। अगर मैं सूडो कोड देखूं तो मुझे जो है वो कुछ चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। लेट्स से पहली लाइन जो है एक फॉर लूप लिखी हुई है फॉर ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स के लिए हमने कुछ इनिशियलाइजेशन है मेरे पास यहाँ लाइन वन से लेके फोर तक, कुछ टू से लेके फोर तक कुछ इनिशियलाइजेशन है जो किसके लिए होंगी, जो तमाम वर्टेसेस के लिए होंगी। हर वर्टेक्स पे जाके मैंने क्या काम करना है कि उसके कलर को व्हाइट कर देना है। उसका यू डॉट डी इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ दैट नोड फ्रॉम द सोर्स नोड, डिस्टेंस ऑफ दैट नोड फ्रॉम द सोर्स नोड। सो इनिशियली हमें वो डिस्टेंसेज नहीं पता कि सोर्स नोड से कितना, सोर्स नोड वो नोड होगी जिससे हम स्टार्ट करेंगे, ग्राफ को इनपुट दी जाएगी। भाई ये पूरा ग्राफ है, ग्राफ का मतलब क्या है कि इट्स अ सेट ऑफ वर्टेसेस एंड सेट ऑफ एजेस मौजूद है। सो इस ग्राफ में पूरा हमने जो है वो ग्राफ इनपुट कराया है, सेट ऑफ वर्टेसेस सेट ऑफ एजेस। तो इसमें से एक कोई पर्टिकुलर नोड को हम कह देंगे ये सोर्स नोड है, यानी ग्राफ ने जो है वो यहाँ से काम स्टार्ट करना है। तो तमाम वर्टिसेस की उसने काम क्या किया, उसके कलर को वाइट कर दिया, उसके डिस्टेंस को जो है वो इनफाइनाइट कर दिया, और उसके जो है वो पेरेंट यू डॉट पाई इज एक्चुअली द पेरेंट ऑफ दैट नोड, सो पेरेंट को निल करार दे दिया, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हम इस नोड तक, इस पर्टिकुलर नोड तक किस नोड के जरिए से पहुंचेंगे। सो जिस नोड के जरिए से पहुंचेंगे वो इसकी जो है वो पेरेंट नोड हो जाया करेगी। तमाम नोड्स के लिए हमने ये काम किया एक्सेप्ट द वन नोड विच इज द सोर्स नोड जो यूजर ने बताई थी। सो ये यूजर की बताई हुई नोड के अलावा तमाम नोड के लिए हमने ये सारा काम किया। उसका मतलब सोर्स नोड तो वो इनिशियल नोड होगी जिससे हमें चलना है, उसका कलर हम फिर व्हाइट नहीं रखेंगे, वी वुड सी कि हम उसका कलर क्या कर देंगे। लाइन नंबर 5 नजर आ रहा है कि हम उसका कलर जो है वो ग्रे कर देंगे, क्योंकि ये वो फर्स्ट नोड होगी जो ऑलरेडी एक्सप्लोर करते हुए यहाँ से फिर आगे नोड्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो इनिशियली तमाम नोड्स व्हाइट थी, सोर्स नोड का हमने कलर ग्रे कर दिया, सोर्स नोड का डिस्टेंस भी जीरो कर दिया। रिमेम्बर सोर्स नोड हमारे पास क्या है, सोर्स नोड का डिस्टेंस भी हमने जीरो कर दिया। सोर्स नोड का डिस्टेंस का मतलब क्या है कि सोर्स नोड का अपने आप से जो डिस्टेंस है वो हमने जीरो कर दिया, और सोर्स नोड के पेरेंट की वैल्यू भी हमने निल कर दिया कि सोर्स नोड जो है वो ऑलराइट के सोर्स नोड तक जाहिर है किसी और नोड के जरिए नहीं पहुंचे, इट्स द फर्स्ट नोड, तो इसका पेरेंट की वैल्यू स्टिल मिल ही रहेगी। बाकी इसका कलर ग्रे कर दिया और इसका जो है हमने डिस्टेंस को ऑलराइट। उसके बाद हमने जो है वो क्या काम किया कि एक हमने एक एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज कराई है, एक एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज कराई, और इस क्यू के अंदर हम बारी बारी कुछ हर वर वर्टेक्स को डालते रहेंगे, और फिर उसको जो है वो टी क्यू भी करेंगे। वी हैव टू ऑपरेशंस इन क्यू एंड डी क्यू। इन क्यू ऑपरेशन के जरिए से किसी नोड को जो है मैं क्यू के अंदर एंट्री करता हूँ, और रिमेम्बर हमारे पास जो है वो क्यू कैसे काम करती है, क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तौर पे जो है वो काम करती है। राइट, सो क्यू के अंदर जो वैल्यू एंटर की जाएगी, जो वैल्यू सबसे पहले एंटर की जाएगी जब मैं डी क्यू ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, एज वी कुड सी इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव डी क्यू ऑपरेशन एज वेल। तो जब डी क्यू ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वो वाली नोड जो है वो क्यू से बाहर रहेगी जो सबसे पहले एंटर हुई थी, बिकॉज क्यू इज फीफो। राइट, सो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 7 तक पे मैं इस कोड में देखूं तो सिर्फ इनिशियलाइजेशंस थी हमारे पास। राइट, सो सिर्फ इनिशियलाइजेशंस हैं यहाँ पे,
हमने हर नोड के कलर को व्हाइट किया, डिस्टेंस उसका सोर्स नोड से डिस्टेंस इनफाइनाइट किया, उसके पैरेंट को नेल कर दिया क्योंकि हमें उसका पैरेंट नहीं पता था। सोर्स नोड को फिर हमने क्या किया, उसके कलर को ग्रे कर दिया। उसका डिस्टेंस अपने आप से ऑब्वियसली जीरो होगा। डिस्टेंस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ एजेस के कोई भी नोड सोर्स नोड से कितने एजेस दूर है, तो हम ये भी साथ में ट्रैक रखें सो दैट हम इस डिस्टेंसेस के अंदर वी वुड सी कि हम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ भी इवन कैलकुलेट कर पाएंगे। और सोर्स नोड के पेरेंट को हमने स्टिल जो है वो निल ही सर लाइन रखा। नंबर 7 में, लाइन 7 लाइन 7 सोर्स नोड, ये क्या है, सोर्स नोड के पेरेंट, पाई जो है वो पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सोर्स नोड की पेरेंट नोड है और उसको हमने स्टिल निल ही रखा है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो है सोर्स नोड तक हम किसी और नोड से नहीं पहुंचे, किसी और वर्टेक्स से नहीं पहुंचे, बल्कि इट इज एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने जो है वो ग्राफ को स्टार्ट किया। जो हमने यूजर ने एल्गोरिथम को कोड को इनपुट किया होगा, तो दैट्स व्हाई हमने इसके पेरेंट को स्टिल निल रखा। हमने और तमाम नोड्स के पेरेंट्स को भी निल ही रखा था और तमाम नोड्स के पेरेंट को, लेकिन जो है सोर्स नोड के यहाँ देखेंगे, अब हम इन पर्टिकुलर नोड्स तक जिस जिस नोड से पहुंचेंगे उसको उसका पेरेंट बनाते जाएंगे कि इस फला नोड से मैं फला नोड की मदद से मैं इस नोड तक पहुंचा था। सो हम इसका आगे ड्रायरन भी देखें तो बाद इंशाल्लाह जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेट मी चेक लाइन 7 महबूब हसन। ओके होपफुली लाइन 7 आपकी क्लियर हो गई होगी। महबूब और हसन ये क्या है लाइन 7, या अभी भी कोई क्यूरी है महबूब? ठीक है ऑलराइट। So, let's proceed to, तो हमने एक एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज कराई और एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज कराने के बाद जिस सोर्स नोड को हमने क्यू में एंटर कर दिया, सोर्स नोड को क्यू में एंटर कर दिया। सबसे पहले एलिमेंट क्यू में सोर्स नोड एंटर हुई है, तो जब डी क्यू ऑपरेशन होगा तो हमारे पास सोर्स नोड ही जो सबसे पहले बाहर आएगी। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एक वाइल लूप लगी हुई है, और ये वाइल लूप किस पे चल रही है कि जब तक मेरे पास जो है वो क्यू एम्प्टी नहीं है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है जब तक ये काम करते रहे। सो क्यू के अंदर यस इस वक्त हमने ऑल्दो एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज कराई थी, उसके बाद सोर्स नोड इस क्यू के अंदर एंटर कर ली थी, तो क्यू तो यकीन एम्प्टी नहीं है। तो उसके बाद क्या काम करना है, हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया। डी क्यू ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो जो क्यू के हेड के ऊपर होगा और वो वही एलिमेंट होगा जो सबसे पहले एंटर किया गया होगा, वो जो है वो बाहर आ जाएगा। इस वक्त ऑल्दो क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद था, तो वो थी सोर्स नोड, वो सोर्स नोड जो है वो फर्स्ट टाइम के ऊपर वो बाहर आ जाएगी। अच्छा, अब जो नोड जो है हमारे पास बाहर आई है क्यू से, उसके ऊपर हम कुछ चीजें चेक करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को जाके चेक कर रहे हैं, और इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर मेरे पास जो है वो ये फॉर ईच नोड फॉर ईच वर्टेक्स बिलोंग टू जी डॉट एडजेसेंसी ऑफ यू, जी डॉट एडजेसेंसी ऑफ यू यानी उस ग्राफ की इस फॉर ईच वर्टेक्स बिलोंग टू एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू। यू रिमेम्बर वो वर्टेक्स है जो डी क्यू हुआ है। सो हर उसके लिए हम काम कर रहे हैं जो जो है वो जो यू की एडजेसेंसी लिस्ट। अब यू की एडजेसेंसी लिस्ट में रिमेम्बर कौन से एलिमेंट लिखे होंगे जो यू के एडजेसेंट होंगे। लेट से मेरे पास ये एक नोड है जिसका यू है, तो यू के इन इन से जो है वो लेट से मेरे पास जो है वो डायरेक्ट कनेक्शंस मौजूद है। सो यू की एडजेसेंसी लिस्ट में एक ये वाली नोड होगी, एक ये अगर यू है मेरे पास, और ये वाली नोड और एक ये वाली नोड। सो वो जो नोड्स जो यू के एडजेसेंट है वो सारे नोड सर आपका माइक बंद हो गया। ऑलराइट। सो जो वो जो नोड्स हैं जो यू के एडजेसेंट होंगी वो सारी नोड्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो यानी मैं किसी एक पर्टिकुलर नोड जो कि सोर्स नोड थी, लेट्स से मैंने जो है वो इस नोड से स्टार्ट किया था, ये वाली जो नोड मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, सो ये मेरी जो है वो सोर्स नोड हो गई। और उसके बाद क्या करूंगा, अब मैं इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे जाऊंगा। इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे जाके अब मैं कुछ चेक्स हैं यहाँ पे लगे हुए और फिर अकॉर्डिंगली जो है कुछ काम करना हम शुरू करेंगे। सो इफ आई कुड सी के हमारे पास क्या चेक लगा हुआ है मेरे पास, कि अगर इस नोड का कलर व्हाइट है, अगर इस नोड का कलर व्हाइट है तो हमने कुछ काम करना है। सो नोड का कलर इनिशियली ऑब्वियसली व्हाइट होगा क्योंकि हमने हर हर नोड के कलर को यहाँ पे खुद से जो है वो
वाइट किया ही था हमने, हमने हर नोट के कलर को ऑब्वियसली खुद से यहाँ पे इनिशियली हमने वाइट किया था, तो हर नोट का कलर मुझे बहरहाल वाइट ही मिलने वाला है। सो फिलहाल के तौर पे यानी फॉर द फर्स्ट आइटरेशन, तो नोट का कलर वाइट है, तो हमने क्या काम करने साथ में जो है उस नोट के कलर को ग्रे कर देना है, बिकॉज उस नोट तक मैं पहुंच चुका हूँ, उसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया, इसका मतलब उसको कलर ग्रे कर दिया, और अब उसका डिस्टेंस भी डिफाइन कर दिया। पहले हमने जो है वो डिस्टेंस क्या लिया था, इनफाइनाइट डिफाइन किया हुआ था, क्योंकि हमें नहीं पता था सोर्स नोट से वो कितना दूर है, अभी तक हम उस तक पहुंचे नहीं थे, तो इसका हमने कहा था कि अभी तक नहीं पहुंचे, तो मे बी वो रास्ता एग्जिस्ट ना करता, जब हम उस तक पहुंच जाएंगे तो उसका डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे। सो उसका डिस्टेंस क्या डिफाइन किया, वी कुड सी दिस थिंग कि हमने u.d+1, इट्स u.d+1, u.d मेरे पास क्या है, उस पर्टिकुलर नोट का डिस्टेंस, और पहले कौन सी नोट जो है डीक्यू हुई थी, सोर्स नोट, और सोर्स नोट का डिस्टेंस रिमेम्बर हमने क्या डिफाइन कराया था कि सोर्स नोट का डिस्टेंस जो है वो जीरो है, क्योंकि सोर्स नोट का अपने आप से डिस्टेंस जो है वो जीरो होगा हमेशा। सो वी हैव सीन दिस थिंग कि हमारे पास जो है हमने उस पर्टिकुलर नोट का जो है वो डिस्टेंस जो है वो डिफाइन करा दिया, सोर्स नोट का डिस्टेंस प्लस वन, यानी ये सोर्स नोट से एक एज दूर है, क्योंकि सोर्स नोट की एडजेसेंट नोट थी, हम एडजेंसी लिस्ट के अंदर तलाश कर रहे थे, और साथ में हमने इसका जो है वो पेरेंट भी डिफाइन करा दिया जिस नोट से हम पहुंचे थे, यू नोट से, विच वॉज सोर्स नोट फॉर द फर्स्ट आइटरेशन, हमने उसका पेरेंट भी डिफाइन करा दिया कि इसका पेरेंट जो है वो यू है, सोर्स नोट है, और फिर हमने उसको जो है क्यू में डाल दिया। यानी हुआ क्या, हमने गौर से देखे, मैं एक नोट पे गया, एक नोट को सोर्स नोट बनाया, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में बारी बारी जाना शुरू हुआ, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट का कलर जो है वो मैंने ग्रे किया, इसका पेरेंट डिफाइन कराया, इसका डिस्टेंस डिफाइन कराया, और फिर इसको जो है वो क्यू के अंदर डाल दिया। ये तीन काम हो रहे हैं, हर नोट का कलर ग्रे किया, उसको उसका डिस्टेंस डिफाइन कराया, उसका पेरेंट डिफाइन कराया, और फिर उसको क्यू में डाल दिया। ये तीन काम हमने करने, कलर ग्रे, डिस्टेंस डिफाइन, पेरेंट डिफाइन, और चौथा काम उसको जो है क्यू में डाल देना, और जो है फिर नेक्स्ट एडजेसेंट लिस्ट के ऊपर चला जाना। यानी ये इसकी नोट थी, हमने अभी इसके फर्दर चाइल्ड्स के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, बल्कि जो है वो इसी के जो है वो नेक्स्ट एडजेसेंट चाइल्ड के ऊपर जाएंगे, जैसे कि हमने बात की कि ब्रेथ फर्स्ट मैनर के अंदर ये एल्गोरिथम जो है वो काम करता है। ऑलराइट, सो ये काम करता रहेगा एडजेसेंसी लिस्ट तक, ये पूरी, जब किसी पर्टिकुलर नोट की तमाम एडजेसेंसी लिस्ट इसने पूरी कर ली, यानी ये नोट थी इसकी जो है वो तीन एडजेसेंट नोड्स मौजूद थी, तो जब ये तीनों एडजेसेंट नोड्स के ऊपर चला गया, इसके ऊपर भी चला गया, इसको भी फिर कलर ग्रे करा, डिस्टेंस डिफाइन करा, और पेरेंट डिफाइन करा, और इसको क्यू में डाल दिया, फिर इसके साथ भी चारों काम किए, इसके साथ भी चारों काम किए। सो जब इस नोट के तमाम एडजेसेंट नोड्स कवर हो गए, तो फिर आखिर में हमने क्या काम करना है कि इस नोट के कलर को ब्लैक कर देना, विच इज रिप्रेजेंटिंग के हमारे पास जो है ये नोट कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो गई है। कम्प्लीटली एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि इसके तमाम एडजेसेंट नोट्स एक्सप्लोर हो चुके हैं। सो वी कुड सी द सेम थिंग इन द कोड एज वेल, कि जब मेरे पास जो है ये फॉर लूप पूरी चल गई है, उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास ये फॉर लूप पूरी चलने के बाद क्या हुआ, सारे एलिमेंट जब इन क्यू में चले गए, तो फिर आखिर में इस नोट के कलर को भी हमने जो है वो ब्लैक कर दिया, विच इज रिप्रेजेंटिंग कि ये नोट जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो चुकी है। So that's all about कि हमने initially क्या करना होता है, हर नोट के कलर को वाइट किया, हर नोट का डिस्टेंस इनफाइनाइट किया, हर नोट की जो है वो पेरेंट की वैल्यू निल करी, सोर्स नोट का कलर ग्रे किया, सोर्स नोट को जीरो किया, सोर्स नोट के पेरेंट को भी इवन निल डिफाइन किया, बिकॉज सोर्स नोट तक मैं किसी और नोट से नहीं पहुंचा, बल्कि इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट जो ग्राफ को इनपुट किया गया था। फिर हमने जो है एम्प्टी क्यू इनिशियलाइज करा के हर हर नोट को हमने इनक्यू करना शुरू कर दिया। देन नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा हमने क्या काम किया कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं थी, हम हर एक नोट को क्यू से बाहर निकालते, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में जाते, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट में उसके तमाम एडजेसेंट नोट्स होते हैं, उनके कलर को ग्रे करते हैं, डिस्टेंस और पेरेंट डिफाइन करते हैं, उनको क्यू में डाल देते हैं। ऐसे ही उसके तमाम एडजेसेंट नोट्स को करने के बाद हम उसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक हो जाती है। उसके बाद यकीनन वी कुड सी कि जब ये लाइन नंबर 18 एक दफा चलेगी, तो मेरे पास जो है वो प्रोग्राम जो है वापस, या पॉइंटर जो है वापस यहाँ रिटर्न होगा, क्योंकि ये वाइल्ड लूप चल रही थी, वाइल्ड लूप तो भी हमने एक आइटरेशन चलाई, और ये वाइल्ड लूप क्या कह रही थी कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, जब तक ये काम करता रहे। तो क्यू में ऑल्दो हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट सोर्स नोट डाला था, उसको डी क्यू करा लिया था, और फिर हमने उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे गए थे, लेकिन उसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे जाके हमने वो एलिमेंट्स जो है इन क्यू कराना शुरू कर दिए थे।
सो देयरफॉर क्यू तो एम्प्टी नहीं हुई, इस क्यू के नतीजे में जो भी इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स थे वो भी क्यू में चले गए होंगे. सो ये तो हमने सारी कोड्स की बातें कर ली, इसको हम एक दफा ड्राई रन करके देख लेते हैं तो बात उम्मीद आसानी से समझ आ जाएगी. सो वी हैव दिस ग्राफ जिसके ऊपर हम BFS लगाने वाले. हमने जो है वो एक काम तो ये किया हुआ है कि तमाम नोट्स के कलर को यू कुड सी के वाइट किया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि ये भी एक्सप्लोर नहीं हुई है, और तमाम नोट्स के डिस्टेंस को जो नोट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है तो सारी इनफाइनाइट लिखी है, बहुत अभी एक्सप्लोर नहीं किया. तो हमने कहा सोर्स नोट से इसका डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है अभी, राइट. उसके बाद हमने क्या काम करना होता था, सोर्स नोट के डिस्टेंस को जो है हमने जीरो डिफाइन करा दिया, सोर्स नोट के डिस्टेंस को जो है वो जीरो डिफाइन कराया, और बाकी सारे और इसका कलर भी इवन ग्रे कर दिया. और पेरेंट बैरल हमने सबके यहाँ पे ऑल्दो लिखे हुए नहीं है, लेकिन साथ साथ सबके पेरेंट की वैल्यूज भी यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है. इसका पेरेंट फॉर इंस्टेंस क्या है, मेरे पास निल है, यानी हमें नहीं पता अभी इसका पेरेंट. सोर्स नोट का पेरेंट तो निल ही रहेगा बिकॉज हम इस तक किसी और नोट से नहीं पहुंचे. ऐसी तमाम नोट्स के पेरेंट की वैल्यू जो है वो निल लिखी हुई है. अब जैसे जैसे हम किसी पर्टिकुलर नोट पर जाते जाएंगे उसका डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, उसका कलर ग्रे करेंगे और उसके पेरेंट को डिफाइन करेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. उसके बाद अब मेरे पास जैसे कि हमने एल्गोरिथम देखा था, सोर्स नोड क्यू के अंदर गई, सोर्स नोड को मैं देख सकता हूँ गौर से कि ये सोर्स नोड जो है वो मेरे पास क्यू के अंदर चल रही है. और सोर्स नोड क्यू के अंदर गई, और अब मैं इसके जो है वो एडजेसेंट नोड्स तलाश करूंगा. यानी इसकी एडजेसेंसी जब इसको क्यू के अंदर जाती है, फिर हमारे पास व्हाइल लूप भी थी, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, देन जो है हम इसको डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डीक्यू करूंगा सोर्स नोड क्यू से बाहर रहेगी और इसकी एडजेसेंसी लिस्ट को तलाश किया. तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में मेरे पास एक ये एलिमेंट मौजूद होगा, एक ये एलिमेंट मौजूद होगा, ये दो नोड्स जो है वो इसके एडजेसेंट है. यानी एस के एडजेसेंट जो है वो मेरे पास R और V मौजूद है, एक नोड R मौजूद है S के एडजेसेंट और एक नोड W मौजूद है, ये दोनों जो है वो S के एडजेसेंट है. तो इसका मतलब है S की एडजेसेंसी लिस्ट में R और W लिखा हुआ होगा. अब जो भी एडजेसेंसी लिस्ट में पहले लिखा होगा उस तक वो पहले पहुंच जाएगा. लेट्स से W अगर पहले लिखा तो W तक पहुंच जाएगा, R अगर पहले लिखा होता तो R तक पहुंच जाएगा. सो बहरहाल W लेट्स से पहले लिखा हुआ था तो ये W पे गया और उसने क्या क्या काम किए, लेट्स सी कि उसने जो है वो एक तो डिस्टेंस डिफाइन कराया, एक तो डिस्टेंस डिफाइन कराया कि सोर्स नोड का डिस्टेंस की वैल्यू अब इस नोड के डिस्टेंस की वैल्यू 1 हो गई है, राइट, बिकॉज इट्स हमने देखा था यू डॉट डी प्लस 1 वहां लिखा हुआ था. यू डॉट डी क्या था, ये नोड जो है वो डी क्यू के बाहर आई थी, एस इसका डिस्टेंस क्योंकि सोर्स नोड थी इसका डिस्टेंस 0 था अपने आप से, ये इससे एक एज दूर है. तो हमने देखा भी था कोड के अंदर यू डॉट डी प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 हो जाएगा. सिमिलरली ये वाली नोट भी इसके एडजेसेंट नोट थी, इसको भी यू डॉट डी प्लस 1 और इसका कलर भी ग्रे कर दिया, इसका कलर भी ग्रे कर दिया. साथ साथ एक और काम भी हुआ जो यहाँ लिखा हुआ हमें ऑल्दो नजर नहीं आ रहा, इनके पेरेंट्स की वैल्यू भी डिफाइन हुई है. सो अब इसके जो पेरेंट की वैल्यू है वो यकीनन क्या हो चुकी होगी, इसका जो है वो पेरेंट अब निल नहीं रहा बल्कि नोड एस से मैं यहाँ पे पहुंचा तो इसका पेरेंट एस हो गया. सिमिलरली इसका पेरेंट नोड भी जो है वो एस डिफाइन हो जाएगा मेरे पास, राइट, बिकॉज इस नोड से मैं एस से पहुंचा. सो हमने डिस्टेंस भी डिफाइन कर दिया और इसका पाथ भी इसका होता है हम बना रहे हैं कि किस नोड से यहाँ तक पहुंचा गया है, राइट. जहां तक कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग बताएं. महबूब कह रहे हैं रीस्टार्ट कर लें सेशन, महबूब कर लेते हैं हम रीस्टार्ट सेशन. कितना टाइम रह गया हमारे पास, ओके अर्सना 20 मिनट हुए अभी, नहीं 10 मिनट का तो रिमाइंडर आ, सेशन खत्म होने में 1 मिनट से कम रह गया, 1 मिनट से कम रह गया, तो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं और महबूब मैं आपको दोबारा अलाउ कर दूंगा तो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा.